तो अगर ये सब जाया करके ही पहुंचना है और जाया करके ही सीखना है और अपनी तंगरी में ही करना है, कोई मसला नहीं। इमाम हुनैफा रहमतुल्लाह 35 साल की उम्र के अंदर इमाम बन गए, आप भी बन सकते हैं। लेकिन आज अगर एक रिवर्स कर देना आप उसूल अपना, एक उसूल रिवर्स कर देना कि मैं किसी बड़े फील्ड के मंजे हुए, पिटे हुए, हारे हुए, किसी टूटे हुए सीनियर के पास जाके सिर्फ ये कहूं अल्लमनी, मुझे सिखा भाई, मुझे नहीं आता, यह जिंदगी का बल नहीं आता, मां का शरीका भी मेरे कंट्रोल में नहीं, बाप भी मेरे कंट्रोल में नहीं, बच्चे भी मेरे कंट्रोल में नहीं, बीवी भी मेरे कंट्रोल में भी नहीं, ख्वाब भी लोगों को अच्छे नहीं आते मेरे बारे में, मैं ही सांप पिच्छू दिख रहा होता हूं लोगों को, किसी को मेरे बारे में अच्छा गुमान नहीं है, मार्केट मेरी खराब हुई है, सब दुश्मन, सब दोस्त दुश्मन बन चुके हैं, कोई दोस्त सज्जन नहीं बन सका, सब दुश्मनियां मेरे सर पे आके बैठ चुकी हैं, रिसोर्सेस खत्म हो चुके हैं और मन को भी यही लगता है अल्लाह भी नाराज है, कोई पानी रास्ता नहीं बना रहा। यूसुफ अलैहिस्सलाम की कैद में, जिंदान में बंद हुआ हूं मैं, मुझे बता मैं क्या करना है, मैं इस सेल्फ कॉम्प्लिकेशन और सेल्फ कॉम्प्लेक्सिटी से कैसे निकलूं, क्या चीज बदलू, क्या चीज बदलू के अगर इंसान नहीं तो दूसरी मखलूक आके मेरे मेरे पास आके बैठे, मुझसे पढ़े आके, मैं कैसे वो हुसन पैदा करूं कि मैं चलता हूं और लोग रो जाते हो देख के, आप सब समय चलते हो लोग रो जाते थे देख के, पीपल यूज टू क्राई सीन हिम, क्यों काट काटी है उन्होंने, सबर खामोशी, खामोशी नहीं वो हुसन ही किया जो बढ़ 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 ये हुसन है, अपने मैदान में आके शेर बोलता है जब उसे बोलना होता है, अपने पिंडाल में खड़े होके बयान कर, लोगों की दलीसों पे जाके बोलना बंद कर, हो गई कायल, हो गई कायल तेरे कहने से या हो गया कायल आपके कहने से, वो इश्क ही किया जिसे बताना पड़ जाए कि मैं तेनों इतना प्यार करनी है, ये तो आंखों का सिलसिला है, आंखों का लोग मिले अगर चेहरे नहीं मिले, तरबियत ऐसी होनी चाहिए आंखें बोलती हो अगले की, आंखें देख यार इसकी आंखें चेक कर, चेहरे ही नहीं है वो। और ये डिजिटल दुनिया के लोगों को मैं कहूंगा, अल्लाह दे बंदे हो कमा लो अपनी फ्रीलांसिंग के कोर्सेस से जितना कमा, हुसन कंप्यूटरों पे बैठ के नहीं आता, हुसन जमीन पे बैठ के लोटा उठाने से आता है, शक्लें देखें, शक्लें ही नहीं है। मैं एक जगह भी दावत में गया, उन्होंने दुम्बा किया, बताऊंगा पता है शेख साहब मटन खाते हैं शौक से, यूरिक एसिड भी है आज मेरा, बराबर में लोग आ गए तो बात करनी पड़ती है लोगों से, तो उसकी शक्ल पे मैंने एक जुमला देख के कहा, यार दो मसले तेरे अटके में, या खूह में डाल दे या बाहर निकाल दे, वो देख के हिल गया आगे से, उसके दो ही मसले अटके हुए थे, शक्लें बता रही होती हैं सब कुछ, इस शक्ल पे वो तासीर, वो रोब, वो मिजाज तब आता है जब कलेजा गुजरता है एक लंबे जमाने की काट से, ये जो जल्दी तरक्कियां हैं ना ये जल्दी गिराती हैं, इसलिए इमाम शाफी कहते हैं बेतूल जमान है, इल्म भी लंबे जमानों से आता है, इंकलाब भी लंबे जमानों से आता है, तेजियां ने आज मुंडिया नू, मैं दो मिनटों के अंदर अरबापति बन जा, खरबापति बन जा, आलम बन जा, मत दो देना, ये उसूलों को अपनाओ कि असल सफर 30 के बाद शुरू होता है और असल मकाम 35-36 पे जाके, असल इस 36-37 में जाके मिलता है कि इंसान को, ये तो बर्बादियों की उम्र होती है 20 से 30 की, और डरना बंद कर, ये छोटी मोटी मैथ्स हर वक्त मैथ्स 1+1, स्टॉप डूइंग द मैथ्स इन लाइफ, डू इट,
मैथ्स कर, हिसाब किताब कर, ऊंट बांध और तवक्कल अल्लाह, अल्लाह पर भी छोड़ जिंदगी को। जब अल्लाह लेके आएगा तो फिर अल्लाह लेके आएगा, फिर तू नहीं, तू खुद नहीं संभाल सकेगा जब अल्लाह लेके आएगा। तो अगर इन उसूलों से जिंदगी नहीं गुजारनी, और जिद है, हरदर्मी है, उस्ताद नहीं है, काट नहीं है, सबर नहीं है, जर्फ नहीं है, बुसत नहीं है, तनबो नहीं है, तजमील नहीं है, तकमील नहीं है, तशरीफ नहीं है, ताईद नहीं है, तहसीन नहीं है, तनकीद नहीं है, तारीफ नहीं है, तशरीफ नहीं है, अगर ये सारे सिलसिले जिंदगी में नहीं है, ये ताल्लुक नहीं है, ये वसफ नहीं है, अगर इन औसाफ के साथ पहले अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। अगर तू ये नहीं कर सकता तो कोई मसला नहीं, हम फिर भी दुआ करेंगे, लेकिन पुत्र आना उदो ही पैसू, गुजरना अल्लाह की सुन्नत कभी नहीं बदलेगी, वरना हमारा गिला हो जाएगा कि अल्लाह हमें इतनी काट से क्यों और इसको इतनी आसानी से क्यों। अल्लाह की सुन्नत नहीं बदलती, ला तब्दीला लिखल्ला, उसी काट और उसी प्रोसेस से आज मुसलमानों को भी, पाकिस्तान को भी, जुनूब को भी, पंजाब के अंदर भी, हर सिलसिले को वो इंकलाब तभी मिलेगा जब वो उन्हीं उसूलों से आएगा जिन उसूलों से वो बीज उगता है, और कोई तरीकेकार नहीं है। इसलिए सिर्फ हुनर की महारत महफिल और महफिल में जंग नहीं जिता सकती, इबारत भी हसीन कर अपनी, और इबारत के माहिरों को हम कहते हैं इमारत मजबूत कर अपनी, और जिनकी इबारत और इमारत भी बन गई है उन्हें हम कहते हैं इबादत मजबूत कर अपनी, और इन्हीं ताबीर और इन्हीं तामीर और इन्हीं तशरीफ और इन्हीं तहसीन के सिलसिले का नाम है इल्म और तरबियत, सीखना सिखाना। तो अगर ये काट के इंसान समझता है कि वो पहुंच जाएगा, पहुंच तो जाएगा मगर बचेगा कुछ नहीं। तो अगर सब नाराज हैं, कोई घर नहीं आता, तू लोगों को इकट्ठा नहीं कर सका, लोग तुझे पीर नहीं मानते अपने फील्ड का, लोगों के दिलों में की धड़कन नहीं बन सका, तू सबको अपने प्लेटफॉर्म पे जमा नहीं कर सका, सारी बहुएं तुम्हारे कंट्रोल में नहीं आ सकी, और सास से चाबियां तू निकलवा ना सकी, और तू सारे इलाके के अंदर मनवा नहीं सका, और वो कायल करने का फन तू जान नहीं सका, और तुझे मुंह से कायल करने के अलावा कोई और नौयत ही नहीं पता, तुझे खामोशियों से कायल करना नहीं आता, तुझे जन्मों से कायल करना नहीं आता, तुझे फैसलों से कायल करना नहीं आता, तुझे तवक्कुफ से कायल करना नहीं आता, तुझे समाज से कायल करना नहीं आता, सुकून से कायल करना नहीं आता, इफ यू डू नॉट नो द आर्ट ऑफ विनिंग एंड द आर्ट ऑफ डाइवर्सिटी एंड आर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग बाय बीइंग साइलेंट एंड समटाइम्स बीइंग टॉकेटिव एंड समटाइम्स एंगेजिंग एंड समटाइम्स नॉट एंगेजिंग, और ये सारी चीजों को अगर तू नहीं सीख सकता, नहीं मास्टर कर सकता, तो भाईजान ये कोई जीत नहीं है कि कुछ पैसे लेके, कुछ पैसे कमा के, चार लोगों में बैठ के, चाय के ढाबे पे अगर काश अगर मगर चूंके चुनाचे ही करना है, ये कोई सल्तनत नहीं है। सल्तनत तो ये है कि लोग आए तेरे पास, लोग सफर करके आते हो सिर्फ तुझे देखने के लिए, तेरे सीने में इतना वसत और इतना दम होना चाहिए कि लोग कहें मारते हुए भी मजा आए अगले को, कि कोई बड़ा पट्टा मारा है अगले ने। हम कहते हैं ऐ अल्लाह दुश्मन भी मुझे खानदानी नहीं, कुत्ते बिल्लों से ना मरवा दी शेख आतिफ को।